मध्य प्रदेश में नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर 13 युवकों ने घेर कर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। हालत गंभीर होने पर पहले जिला अस्पताल फिर उज्जैन रेफर किया गया है। मामला आगरमालवा जिले का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश बलवा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। घटना बुधवार दोपहर 12 बजे आगर में उज्जैन रोड पर स्थित रॉयल ढाबे के पास हुई, जब आयुष 26 वर्ष पिता सुरेश जाधव निवासी फूलमालीपुरा आगर बाइक से जा रहा था। तभी आरोपी अमल अरबाज, आसिफ सरफराज, चिकी अम्मू मेवाती, अमल सोहेल मुन्ना मेवाली, सलमान फिरदौस, समीर और साजिद ने आयुष का रास्ता रोका और उस पर टायर खोलने के औजार पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। आयुष को सिर में गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल आगर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों की ओर से पहले एसपी कार्यालय और फिर थाने का घेराव किया गया है। वे आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामले में पुलिस ने फरियादी आशुतोष पिता दुर्गा शंकर सोनी निवासी पाल रोड आगर की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा सहित मारपीट की अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित आयुष बजरंग दल का प्रखंड संयोजक है। उसने नूपुर शर्मा को दी जा रही धमकियों और उनका समर्थन करने पर लोगों पर हो रहे हमलों के खिलाफ 16 जून को ज्ञापन दिया था। इसी बात से हमलावर नाराज थे और उन्होंने आयुष पर हमला कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आरोपियों पर जिला बदर और एनएसए की कार्यवाही भी होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 अज्ञात लोग भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। गंभीर अपराध मानते हुए सभी पर धारा 307 के तहत कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण अभियान भी शुरू किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। मेवाती कम्युनिटी के हैं जो अभी सामने आया, लेकिन चूंकि अभी उसमें कौन कौन लोग हैं उनकी अभी जो FIR के बाद ही क्वेश्चन क्लियर होगी कि आखिर कौन कौन लोगों के द्वारा